मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से आपके नए लेक्चर को लेकर के। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइपोल फील्ड के आगे। तो याद होगा आपको लास्ट टाइम कि जहां डाइपोल होता है तो डाइपोल के आसपास एक फील्ड प्रोड्यूस होता था, उस फील्ड को डाइपोल फील्ड कहते थे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। उसके दो अलग अलग एक्सिस होते थे जहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, एक्सिस और इक्विटोरियल। आई होप आपको याद होगा और आपने एग्जाम्पल्स जो मैंने दे रखे थे उसको भी कर लिया होगा, साथ में होमवर्क को भी कंप्लीट कर रखा होगा। आज हम लोग आगे बात करके ये देखेंगे कि अगर मैं किसी डाइपोल को किसी फील्ड में लेके जाऊं तो क्या होगा। मतलब एक डाइपोल जिसका अपना फील्ड होता है, अगर उस डाइपोल को किसी दूसरे फील्ड में लेके जाऊं तो क्या होगा। तो क्या होगा, उसके पास दो चार्ज होते हैं, बहुत अच्छे से याद होगा आपको, उन दोनों चार्जेस पर अलग अलग फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे। पता है ना, दोनों पे इक्वल चार्जेस और अपोजिट चार्जेस होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस फोर्स भी तो ऑब्जर्व करेंगे और दोनों फोर्स का डायरेक्शन भी अपोजिट होता है, जिसके वजह से अब डाइपोल पर फोर्स लगेगा तो ये डाइपोल घूमने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डाइपोल की टेंडेंसी भी होती है। तो जब डाइपोल घूम करके फील्ड के डायरेक्शन में आने की कोशिश करता है, मतलब फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए, तो उसके लिए उस पर फोर्स लगना था, और ये फोर्स लगाया किसने, फील्ड ने। तो जब ये फील्ड ने फोर्स लगाया तो डाइपोल घूमा, और जब डाइपोल घूमती है तो किसी भी चीज को घुमाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, फोर्स चाहिए। तो जब कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर फोर्स के अंडर मूव करती है तो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट अंडर द फोर्स दिस इज कॉल्ड टॉर्क, राइट। तो व्हाट इज टॉर्क, तो टॉर्क मींस सिंपल दैट इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी अंडर द फोर्स, दिस इज टॉर्क। तो आई होप आपने टॉर्क 11 पे सुन रखा है। तो टॉर्क इज नथिंग स्पेशल, कोई भी सिस्टम, इवन आपने हैंडपंप चला रखा होगा ना, तो हैंडपंप भी घुमाते हो ना तो वहां पर भी टॉर्क लगता है। तो यहाँ पर जब हम किसी डाइपोल को फील्ड में लेकर के जाते हैं तो डाइपोल घूमती है, तो डाइपोल कब तक घूमेगी, जब तक कि वो फील्ड में ना आ जाए तब तक घूमना चाहेगी। तो डाइपोल की ये टेंडेंसी भी थी कि डाइपोल फील्ड में आना चाहती, तो घूमने के लिए सिस्टम पे क्या लगना था, फोर्स, और घूमने के लिए टॉर्क। तो फोर्स ने सिस्टम पे टॉर्क लगाया, क्योंकि यहां पे एक फोर्स नहीं होता, दो काइंड ऑफ फोर्स होते हैं, इसीलिए हम इसको कपल ऑफ टॉर्क कहते हैं। तो नाउ आइए डिस्कस करेंगे आज हम कि टॉर्क अपॉन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। टॉर्क अपॉन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो पहले तो आपको ये डिस्कस करना चाहिए कि हम लोग टॉर्क क्यों पढ़े। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि टॉर्क क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सपोज दैट देयर इज अ फील्ड, और ये कैसा फील्ड है बच्चों, बताने की जरूरत तो नहीं है, ये कैसा फील्ड है, क्योंकि ये सारे लाइंस जो है वो इक्विडिस्टेंट है, तो ये एक्चुअली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाइपोल को ले आना, लीजिए डाइपोल आप ले आए, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि हर डाइपोल का अपना डाइपोल मोमेंट होता है और इसका डायरेक्शन फिक्स होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, आपको ये भी मैंने बता रखा था कि डाइपोल की एक लेंथ फिक्स हो जाएगी। तो डाइपोल की लेंथ आपने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए 2a ले रखा था, आप चाहो तो यहाँ पे आप a ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने 2a ले लेना है या a ले लेना है, कोई इशू नहीं है, मैंने यहाँ पे 2a लिखा है तो आप 2a लिखिए, आप चाहो तो यहाँ पर 2a की जगह पे a भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो सपोज दैट देयर इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट थीटा एंगल फ्रॉम द फील्ड, थीटा एंगल फ्रॉम द फील्ड। अब ये थीटा क्यों लिया, तो जब तक आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं पता होगा तो आप उसे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो आपको एक चीज तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आपने डायपोल को किसी एंगल पे रख रखा है, अब वो एंगल कोई और नहीं, थीटा हो गया, राइट। अब जैसे ही आप इसको फील्ड में लेके आते हैं तो ये तो फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ये वाला चार्ज क्या ऑब्जर्व करेगा, फोर्स, और ये वाला चार्ज भी फोर्स ऑब्जर्व करेगा, राइट। तो बोथ ऑफ द चार्जेस आर ऑब्जर्विंग सेम काइंड ऑफ फोर्स, क्योंकि आपको पता है ना कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है Q into E। तो Q into E में Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज है, और E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि दोनों साइड में चीजें, मतलब फील्ड एक है और चार्ज एक है, तो फोर्स भी सेम ही ना होगा, क्योंकि ये चार्ज इस साइड है और ये प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स ऑब्जर्व करेगा।
तो बहुत अच्छे, यहाँ पे आपने फोर्स दिखा दिया, कितना लिख दिया F1 लिख दिया, और अमाउंट क्या लिख दिया Q into E, राइट, ओके फाइन। और सिमिलरली यही कहानी यहाँ पर भी आप देखेंगे, और ये फोर्स हो गया F2 = Q into E, राइट। तो यहाँ पर भी आपने फोर्स ऑब्जर्व कर लिया, तो दो अपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स देखा F1 और F2, राइट। अब ये दोनों फोर्सेस को करेंगे क्या, इसको इधर से खींचेंगे, तो ये देखिए क्या होगा, ये घूमा। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये घूमने की कोशिश करेगा, अब कब तक घूमेगा, जब तक कि ये ऐसे करके ऐसे ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस समय ये सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होता है, सिस्टम आगे तो नहीं जाएगी, क्योंकि ये इधर के अमाउंट पर फोर्स और इधर अमाउंट ऑफ फोर्स दोनों सेम है, तो सिस्टम आगे पीछे तो नहीं होगी, लेकिन हाँ ये फोर्स इसको घुमाने की कोशिश जरूर करेगा। इसका मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, अब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आना चाहती है, अब कब आ जाएगी, जब ये एग्जैक्टली अलाइन हो जाएगी फील्ड में, तो ये इधर और ये इधर, ये ताकि बैलेंस हो जाएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो आइए यही कोशिश करना है कि डाइपोल अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आना चाहता है तो क्या करेगा, फोर्स लगाएगी और वो फोर्स लगाकर टॉर्क ऑब्जर्व करेगी, जिससे टॉर्क के थ्रू ये सिस्टम फील्ड में घूमेगी, और कब तक, जब तक कि फील्ड में अलाइन ना हो जाए। तो ये लीजिए, आइए परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए यहां से और इस लाइन को आगे बढ़ाइए। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको पता है ना कि टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स into perpendicular distance from the action of force, right? तो देखिए, ये ध्यान से समझिए, ये force है, action है, और इस action से perpendicular distance चाहिए, इस action से perpendicular distance क्या होगी, इस action से perpendicular distance तो यही होगी, right? अब बताइए, ये भी तो action है, ये भी तो force है, अब ये भी काम करेगा, तो इस वाले action से perpendicular क्या होगा, तो perpendicular ये पूरा action वाली line है, और इससे perpendicular ये होगा, तो मतलब perpendicular का जो value है, वो दोनों के लिए same है, amount दोनों का फोर्स का सेम है, तो ये फोर्स और इसका इस एक्शन वाली लाइन से ये परपेंडिकुलर, और ये फोर्स और इसके एक्शन वाले पॉइंट से ये परपेंडिकुलर, मतलब दोनों के लिए अमाउंट अमाउंट तो सेम है ही, और साथ साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम है। जब ये घूमेगा तो ये कुछ कुछ ये और कुछ ये, मतलब दोनों लोग अपना काम कर रहे हैं, तो कुछ पार्ट तुम चलो, कुछ हम चले, कुछ तुम चलो आधा, मतलब ये कुछ ऐसे इधर चलेगा, ये ऐसे इधर चलेगा, मतलब ये है कि आधा आधा मूवमेंट दोनों का होना है। तो काम करते हैं ना, आधा मूवमेंट और आधा मूवमेंट क्यों निकालेंगे हम, तो एक काम करेंगे कि पूरा पूरा एक ही डायरेक्शन में टॉर्क निकाल लेते हैं, हमें तो टॉर्क कैलकुलेट करने से मतलब है, आधा आधा निकाल के ऐड करें चाहे एक साथ टॉर्क निकाल लें, राइट। तो आइए इस सिस्टम पे हम टोटल टॉर्क निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन टॉर्क के लिए मस्ट है कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो। तो एक काम करें, आप यहाँ पे डाइपोल का नाम रख ले, डाइपोल ए, ये बी, डाइपोल ए बी, और ये डाइपोल ए बी इसको आपने जहाँ पे आगे किया था, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, उसका नाम रख दीजिए एम, एम इज द बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट, ऑफ ए एंड बी, ओके। आगे आइए, सपोज कर लीजिए, सपोज लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए, देन ड्यू टू कपल ऑफ फोर्स अपॉन चार्जेस द टॉर्क एक्टिंग अपॉन डाइपोल, डाइपोल क्या होगा टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, कौन सा फोर्स लेंगे, आप कोई भी फोर्स ले लीजिए, फोर्स लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा आधा आधा डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस आधा ही आधा ये लेने से कोई मतलब नहीं है, कोई भी एक फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्शन, राइट। तो यहां पे ये एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बी एम, बी एम, ठीक है, और ये आपका फोर्स है, फोर्स कोई भी ले लीजिए चलेगा, तो आप लिख सकते हैं F1 या F2 कोई भी, तो हम क्या ले ले, दोनों का अमाउंट सेम है, तो आप लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं Q into E, कोई भी एक into 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 के लिए ये लगा दिया आपने,
और यहाँ पर bm की जगह पे क्या लिख देना है, ये वाली वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू आएगी कैसे, समझिएगा, हम यहाँ पे पहले ब्रैकेट में समझेंगे इसको। तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस सही है, ये डिस्टेंस जो आपको पता है एंगल के सामने, ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकलती है, तो परपेंडिकुलर हमें निकालना, हाइपोटेनस मुझे क्या है, हाइपोटेनस मुझे पता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज व्हाट, bm अपॉन अपॉन हाइपोटेनस दैट इज ab, राइट। तो यहां से bm इज इक्वल टू हो जाएगा ab साइन थीटा, राइट। तो यहां पे आपने क्या लिखना है, ए बी साइन थीटा, ये ब्रैकेट ले लीजिए। तो ए बी की वैल्यू तो आपने ए सपोज कर रखा है, आपको पता ही है डाइपोल के लिए, तो टाउ इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यूब इंटू ई ए साइन थीटा, या फिर टाउ इज इक्वल टू क्यू ए ई साइन थीटा। अब पहचानिए इसको क्यू इंटू ए को, तो क्यू इंटू ए को क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट, राइट। तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन थीटा, और यहां पे लिख देंगे सिंस पी इज इक्वल टू क्यू इंटू ए, क्यू इंटू ए डाइपोल मोमेंट। और पहचानो आप कि ये आपका फॉर्मूला तो हो ही गया, साथ ही साथ आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी साथ में साइन थीटा, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के साथ साथ में साइन थीटा है तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, और क्रॉस हो तो डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो टाउ इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ पी क्रॉस वेक्टर ऑफ ई, क्योंकि ये दोनों वेक्टर अब बीच में क्रॉस हो रहा है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहां से आपने लिख दिया कि वेक्टर ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ पी क्रॉस वेक्टर ऑफ ई, जो है ये आपके सिस्टम पर लगने वाला टॉर्क है, राइट। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको इसमें केसेस चेक करने हैं कि कब सिस्टम पे सबसे ज्यादा टॉर्क लगने वाला है। तो आइए चेक करते हैं कब सिस्टम पे सबसे ज्यादा टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो केस फर्स्ट इफ डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर टू द फील्ड, राइट, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, देन थीटा इज इक्वल टू कितना, अगर ये डाइपोल कैसे ऐसे ना रखे, ऐसे रखा हो, परपेंडिकुलर रखा हो, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री ना, तो 90 डिग्री प्लेस करिए, देन बच्चों टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी मैक्सिमम होती है, तो इससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं है, तो सिस्टम पे साइन की वैल्यू सबसे ज्यादा, इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू सबसे ज्यादा, और टॉर्क की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो इसमें लिख दीजिए कि मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा सिस्टम पे, मैक्सिमम 90 डिग्री पे लगेगा, और कितना लगेगा, P into E, that's it, nothing else. Again, अगर मैं बात करूं केस टू की, तो केस टू में क्या हो, इफ डाइपोल प्लेस्ड पैरेलल टू द फील्ड, प्लेस पैरेलल टू द फील्ड, प्लेस पैरेलल मतलब कि ये डाइपोल ऐसे रह जाए या फिर ऐसे रह जाए, मतलब तो वही है, ठीक है, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, ठीक। तो अगर पैरेलल हो तो थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री मिलेगी, या तो अगर एंटी पैरेलल होगी तो 180 डिग्री मिलेगी, देन क्या करेंगे बच्चों, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 180 या 0 डिग्री, वही है, सेम ही वैल्यू आएगी, साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, इसका मतलब डाइपोल पे टॉर्क कितना लगेगा 0, इसका मतलब सिस्टम घूमेगा क्या, बिल्कुल नहीं घूमेगा, मतलब सिस्टम जब ऐसे रहेगा तो तेजी से इधर घूमने की कोशिश करेगा, अलाइन होने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस पर सब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, और अगर डाइपोल ऐसे है फील्ड के डायरेक्शन में या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा और सिस्टम नहीं घूमेगा, टॉर्क 0 होगी, राइट। तो आपको समझ में आ गई होगी कहानी कि सिस्टम पे टॉर्क लगेगा कैसे लगेगा और कितना लगेगा, आई होप क्लियर हो गया, आइए एग्जांपल समझते हैं। आइए तो बच्चों हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चंस कैसे डील करने हैं और क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जांपल ये है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ 3.2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर, इट इज placed into 5 × 10⁴ newton per coulomb uniform electric field at 60 degree from the field, find the torque upon dipole, okay, and also find maximum torque upon system, matlab system pe maximum torque aur 60 degree par system pe nikalna hai aapko torque, to I hope aap isko kar payenge, pro systematic way se karna hai to kaise karna hai wo thoda samjha de, kaise karna hai, sabse pehle aapko dipole
लिख लेना है कि डाइपोल मोमेंट कितना दे रखा है। तो डाइपोल मोमेंट 3.2 × 10⁻¹⁸ कूलम मीटर, राइट, कूलम मीटर। ये बच्चों ये सबसे पहले हम लोग डाइपोल मोमेंट लिख लिए हैं। फिर उसके बाद आते हैं कि यहाँ पर ये क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यूनिट देख करके आपको समझ में आ रहा होगा। तो 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम का आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, राइट। और इसके अलावा डायरेक्शन दे रखा है, और डायरेक्शन कितना दे रखा है, 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड। तो PE और थीटा यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। नाउ अब मुझे टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला सिंपली आपको टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा अप्लाई कर देना है, ठीक। इसके नीचे आप करिएगा क्या करना है, टाउ इज इक्वल टू P की वैल्यू पुट कर देनी है, 3.2 × 10⁻¹ × 5 × 10⁴ × sin 60 डिग्री पुट करिए, sin 60 की वैल्यू रख लीजिएगा और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आपस में, ये आपको 60 के वैल्यू √3/2 रख लेनी है, आंसर √3 में दीजिएगा जो भी आंसर आएगा। चलिए मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूं, इसका आंसर बच्चों कितना आएगा, तो इसका आंसर फिलहाल के लिए ये आने वाला है 16। फाइनली समझ पे आ रहा है कैसे लिखना है, × 10⁻¹⁴ और √3/2, राइट। इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो 8√3 × 10⁻¹⁴ न्यूटन मीटर, ये आपको मिल गया टॉर्क, ओके। तो ये पहला आंसर क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट करना है, तो सेकंड पार्ट करने के लिए बस आपको क्या लिख देना है, सेकंड पार्ट लिख देना है, और फिर उसके बाद नीचे टाउ मैक्स निकालना है, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू P × E लिख करके सॉल्व कर लेना, राइट, करके आप इसको आगे डिक्लेयर कर लेंगे आंसर। इसके बाद ये सिस्टम इस बार दूसरे फील्ड में रखा हुआ है, तो इस बार ही आपको एग्जांपल नंबर 2 में क्या करना है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंसिंग अ टॉर्क, राइट, ये टॉर्क है, तो ये टॉर्क है इतना दे रखा 4.8 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर टॉर्क एट 30 डिग्री फ्रॉम द 2.4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। मतलब सिस्टम में इस बार ही आपको क्या निकालना है, टॉर्क दे रखा है 4.8 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर, राइट, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, और आपको डायपोल मोमेंट निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2.4 × 10³ न्यूटन पर कूलम, ओके। सिंपली एकदम सिस्टमैटिक वे से आप इसको ट्राई करेंगे, करके दिखाएंगे और मुझे आंसर इसका सेंड करेंगे, मैं आपको कुछ वर्कशीट और भेज दूंगा ताकि आप उसके आगे क्वेश्चन लगा सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे और आगे के लेक्चर का वेट करेंगे। सिस्टमैटिक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखेंगे।